बांग्लादेश कितने दूर है यहाँ से? दो किलोमीटर किलोमीटर रिवर वाला जो पुल है ना, वो हिल रहा है, कोई भी ट्रक में लगा रहे हैं तो ये हिल जाता है, तो उतने में भाई डर गया मैं तो। बांग्लादेश से आ रहे हैं भाई, इस साइड बांग्लादेश है। हाँ सर। फिर आप आ रहे थे, मैं जा सकता हूँ? मैं भी जा सकता हूँ। नहीं भैया, आप तो टूरिस्ट है ना। अच्छा, आप लोग आ जा सकते हो? हम तो लोकल इधर से, हम तो बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप लोग को अलाउ है, टूरिस्ट को नहीं है? वाओ, अलाउड है, वो आपको टूरिस्ट है, अलाउड है, वो बीएसएफ फौजी मना करेगा। अच्छा, बीएसएफ, अच्छा वो जो ऊपर बैठा है वो मना करेगा बीएसएफ फौजी। देखा कितना प्यारे लोग हैं। यस, सिंगल लीजिए। लाइक टू कैन। बांग्लादेश का भाई मुझसे कैन मांग रहा है यार, बताओ, बियर का बोतल मांग रहा है। गजब भाई है, गजब भी है भाई। ये सर बांग्लादेश से हैं और हम दोनों बॉर्डर पे हैं। क्या नाम है आपका? ओ नाइस नेम। मेरा नाम है रवि, रवि रवि। हाँ, एमपी से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। तो ये मतलब फैंस, ये एरिया के बाद बांग्लादेश है और यहाँ इंडिया। हाय, हेलो हेलो रवि। हाय, आई एम ओके, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब चैनल नेम आर सी रवि ब्लॉग, आर सी रवि ब्लॉग। या हेलो, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बांग्लादेश के लोगों से मिलाने, वो भी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। अब ये कैसे होगा तो आप तो ये ब्लॉग में देख लो। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे। उनसे हाथ भी मिलाएंगे, बात भी करेंगे, बांग्लादेश बॉर्डर में भी जाएंगे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के। तो चलो चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर रेडी। तो ये हमने ले रखा था होम स्टे, अब उसके बाद अब चलते हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं सब नज़ारे बॉर्डर के। चलो मिलते हैं जाके बॉर्डर पे जाके। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बेहतरीन नज़ारे। ओ ये क्या है भाई, ये सब तो नॉर्मल ही है, ये इसका इतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। तो चलो और चलते हैं, आपको दिखाते हैं बांग्लादेश बॉर्डर के नज़ारे। देखो वो सुअर का गर्दन को कैसे एक झटके में काट दिया उसने। तो यही है भाई, जैसा देश वैसा वेश वैसा भोजन। ये भी कुछ ऐसी शॉप है, बाकी तो मजा ही आ जाएगा आपको देख के। ऐसा तो मतलब बॉर्डर पे भी जाएंगे हम, उन लोगों से ही मिलेंगे, मतलब बिना पासपोर्ट बिना वीजा के बांग्लादेश मैं भी चला जाऊंगा, बात करूंगा उनसे, कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, बांग्लादेश में घुसने की, अगर मैं जा सकूंगा तो चला जाऊंगा। तो ये आपका भाई घूम रहा है बांग्लादेश बॉर्डर एरिया में, मतलब यहाँ सामने ही बांग्लादेश है, इधर बात करेंगे उनसे, मिलेंगे भी, हैंडशेक भी, हाथ भी मिलाएंगे और बाकी तो चल के देखते ही है। बांग्लादेश कितने दूर है यहाँ से? दो किलोमीटर किलोमीटर रिवर वाला जो पुल है ना, वो हिल रहा है, कोई भी ट्रक में लगा रहे हैं तो ये हिल जाता है, तो उतने में भाई डर गया मैं तो। अगर आपको चलते चलते कभी प्यास लग जाए ना, तो यहाँ भगवान का मिनरल वाटर भी मिल जाएगा आपको, जैसे कि मुझे लग गई तो मैं तो पी लेता हूँ। रास्ते थोड़े खतरनाक वाले हैं, पर कोई इतना खतरनाक भी नहीं है। चलो चलते हैं, अब मिलते हैं सीधे बांग्लादेश में जाके। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, इसके है उस साइड बांग्लादेश। बांग्लादेश में पानी पूरी खाने चलें क्या? चलो बांग्लादेश में पानी पूरी खा के आते हैं। ये एरिया है ये वाला यहाँ का। नहीं नहीं, अभी तो मैं बियर नहीं खाऊंगा। इस साइड आना जाना हो जाता है क्या? नहीं नहीं, नहीं। ये बांग्लादेश से आ रहे हैं भाई, इस साइड बांग्लादेश है। हाँ सर। फिर आप आ रहे थे, मैं जा सकता हूँ? मैं भी जा सकता हूँ। नहीं भैया, आप तो टूरिस्ट है ना। अच्छा, आप लोग आ जा सकते हो? हम तो लोकल इधर से, हम तो बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप लोग को अलाउ है, टूरिस्ट को नहीं है? वाओ, अलाउड है, वो आपको टूरिस्ट है, अलाउड है, वो बीएसएफ फौजी मना करेगा। अच्छा, बीएसएफ, अच्छा वो जो ऊपर बैठा है वो मना करेगा बीएसएफ फौजी। तो ये बांग्लादेश, ये इंडिया,
मन तो कर रहा है बांग्लादेश से पानी पूरी खा के आऊं, मगर कोशिश करता हूं बीएसएफ वाले नहीं देखेंगे तो घुस जाऊंगा। ठीक है रुको, मौका देख के चौका मारते हैं। भाई ये आ गया, मैं बांग्लादेश में खड़ा हूँ और ये बांग्लादेश का स्टॉल है ये वाला। वो सामने पुलिस चौक पोस्ट है, उन्होंने शायद मुझे देखा नहीं होगा तो अभी मुझसे रोका नहीं है। अभी मैं आराम से थोड़े अंदर जाके लोगों से हाथ मिला के आता हूँ। ठीक है ये बांग्लादेश का एरिया ना ये वाला, इसके उस साइड है ना, क्या हम हैंडशेक कर सकते हैं? ये सर बांग्लादेश से है और हम दोनों बॉर्डर पे हैं। क्या नाम है आपका? ओह नाइस नेम, मेरा नाम है रवि, रवि रवि, हाँ एमपी से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। तो ये मतलब फैंस, ये एरिया के बाद बांग्लादेश है और यहाँ इंडिया। हाय हेलो हेलो रवि, इंडिया फैन। हाय आई एम ओके, थैंक यू, ओके बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब चैनल नेम आरसी रवि ब्लॉग, आरसी रवि ब्लॉग, या एंड योर चैनल नेम एक्सप्लोर विद मोहसिन महबूब, एक्सप्लोर विद मोहसिन महबूब महबूब। ओके नाइस टू मीट यू। तो ये देखा आपने, मतलब कितने प्यारे कितने अच्छे लोग हैं यार, सीरियसली कितने अच्छे लोग हैं यार। ये बांग्लादेश के लोग हैं और ये हम हैं इंडिया में। तो मेरी ये बात हुई उनसे, मेरे पीछे जो पत्थर की लाइन देख रहे हैं ना, इसके पीछे बांग्लादेश, ये मेरे दोस्त है बांग्लादेश से जिनसे अभी मेरी बात हुई और ये भी ये हाय कर रहे हैं और फिर एक बार और हैंडशेक कर लेते हैं। हेलो हेलो। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के हम लोग दो इतने करीब हैं। अच्छा 0.9 वी आर स्टेट 0.9 बांग्लादेश इंडिया। आप लोग बांग्लादेश से हैं? बांग्लादेश किसी जगह, ये कौन सा बांग्लादेश का सबसे पहले पास बॉर्डर कौन सा लगता है, कौन सा ये बॉर्डर, मतलब आपका एरिया कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं इसको? ढाका सुनारगांव। ढाका सुनारगांव, या मतलब ढाका यहाँ से बहुत पास है। अभी मैंने सुना है गुवाहाटी से ढाका भी, गुवाहाटी से ढाका सिलेट, ओके एक गुवाहाटी से ढाका ही बस चलने वाला है ना, मैंने सुना है अभी जो रोड बन रहा है ना ये, तो बस चलेगा गुवाहाटी टू ढाका पर। तो हम लोग को आना जाना होगा, मिलना होगा जरूर जब बस ही चालू हो जाएगी। ओके अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत ही दोस्ताना माहौल है यहाँ, बहुत ही मजेदार जगह है भाई और बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल है, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है कि कुछ अलग कंट्री या कुछ ऐसा वैसा। तो चलो आज चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल एक नई जगह नई डेस्टिनेशन पे। क्या भैया? हाँ हो गया, हाँ समझा नहीं मैं, चैनल का नाम ओके। मैं तो इंडिया एमपी का हूँ, मध्य प्रदेश का एमपी का हूँ, इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश मुझे आती नहीं है। आया हूँ आया हूँ, और हम हिंदी बोलेगा, जो भाषा है वही बोलेगा हमारी। दादा फ्री माइंडेड, यस फ्री माइंडेड, दादा कैमरा ऑफ ऑफ रखें दादा। ये देखा कितना प्यारे लोग हैं, यस लाइक टू कैन। बांग्लादेश का भाई मुझसे कैन मांग रहा है यार, बताओ बियर का बोतल मांग रहा है, गजब भाई है, गजब भी है भाई। जो पत्थर की बाउंड्री दिख रही है ना, इसके उस पार ना बांग्लादेश है, तो ये सब बांग्लादेश के टूरिस्ट हैं। और ये मतलब सेम नदी है, सेम लोकेशन है, बस ऐसे फेंस बना दी है। तो वो है बांग्लादेश के टूरिस्ट, वो उस साइड बांग्लादेश के लोग हैं, वो दूर दूर तक वो उनका टूरिस्ट स्पॉट है, उनका पिकनिक स्पॉट है, और ये इसके इस साइड ये हमारा पिकनिक स्पॉट है। और ये हम यहाँ से आके ये लेक पे आ गए, और लेक पे आने के बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको चेक पोस्ट दिख रही है, ये इंडिया की चेक पोस्ट है, वो है बांग्लादेश की चेक पोस्ट, और ये एरिया है उस साइड है बांग्लादेश और ये है इंडिया। तो बड़ा ही मजेदार नजारा है भाई साहब, मतलब बड़ा ही प्यारे तरीके से रहते हैं लोग। ठीक है तो ये वाला ब्लॉग करते हैं खत्म, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।